एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से, जहां पर पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। तो अहम जानकारी, विधानसभा चुनाव को लेकर कोर ग्रुप की ये बैठक हो रही है। तो बड़ी जानकारी है, आपको जानकारी दे रहे कि उम्मीदवारों के नाम पर बैठक में चर्चा भी होगी। स्पर्श हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से बैठक होगी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल, आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। पंजाब विधानसभा चुनाव में किस तरीके से टिकट वितरण रह सकता है, इसको लेकर जो है आज मंथन जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होता हुआ नजर आएगा। कितनी सीटों पर जो है बीजेपी को लड़ना है, उसके साथ साथ कितनी सीटों पर जो अन्य पार्टियां हैं सहयोगी उनको जो है टिकट देनी है, इसको लेकर जो है चर्चाएं जो है होती हुई पिछले कुछ दिनों से नजर आई है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपनी टिकटों के लिए जो है मंथन कहीं ना कहीं जो है आज जो है करती हुई नजर आएगी। ऐसे में हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, अकाली दल की बात करें, इन्होंने अपना जो सीटें हैं वो घोषित कर दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक सीटों पर जो उम्मीदवार है वो नहीं उतारे गए। तो ऐसे में आज जो है मंथन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है किया जाएगा। इसमें पंजाब इकाई के द्वारा जो पैनल है वो तैयार किया गया है। ऐसे में तमाम नामों को लेकर, तमाम सीटों को लेकर जो है चर्चा आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन ऐसे में इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, कोई नाम सामने आए हैं? देखिए इस बैठक की बात करें तो पिछले दो कुछ दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बैठकें चलती हुई नजर आ रही है। जो शीर्ष नेता है जिसमें जो जेपी नड्डा है उनकी बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनको कोरोना है। इसके अलावा जो जो गृह मंत्री अमित शाह है उनके भी जो है शामिल होने की संभावनाएं इस तरह की बैठक में बनी रहती है। और पंजाब इकाई की बात करें तो पंजाब के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इस बैठक में शामिल रह सकते हैं, पंजाब के जो प्रदेश प्रभारी है वो इस बैठक में जो है शामिल रहते हुए नजर आ सकते हैं। स्पर्शी बैठक कब शुरू हो जाएगी? देखिए इस बैठक की बात करें तो दोपहर तक इस बैठक की होने की संभावना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।